हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास टेंथ के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर एलेवन बाल गोविंद भगत के प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे मतलब तो बाल गोविंद भगत में ऐसी कौन सी विशेषताएँ थीं कि लोग उन्हें साधु कहते थे तो इसका उत्तर देखते हैं बाल गोविंद अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे कि बाल गोविंद जो है कबीर को मानते थे और उन्हीं के गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे वे स्पष्टवादी थे और किसी से वे वजह झगड़ा नहीं करते थे वे दूसरों की चीज़ या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे मतलब उसका वो खुद के लिए यूज नहीं करते थे वे अपने खेत में उत्पन्न अनाज को पहले वो क्या करते थे कि उसको कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ से जो उन्हें प्रसाद स्वरूप मिलता था उसे घर लाकर उसी से अपना गुजारा चलाते थे वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे दूसरा प्रश्न है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी उत्तर है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनको देखने वाला कोई नहीं था क्या है कि जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधु को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया लेकिन क्या है कि उनकी पुत्रवधु उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्रवधू के जाने के बाद उनके बुढ़ापे में उनका भोजन बनाने वाला कोई नहीं था उनके बीमार पड़ने पर उन्हें पानी भी देने वाला कोई नहीं था वह उन्हीं के साथ रहकर अपना सारा जीवन काट देने को तैयार थी इसलिए वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तीसरा प्रश्न है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएँ किस तरह व्यक्त की उत्तर है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर उसके शरीर को क्या करते एक चटाई पर लिटाकर उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर से ढक दिया कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया फिर वे उसके सामने जमीन पर आसन में बैठकर गीत गाने लगे उनके स्वर में पहले जैसे तल्लीनता थी वे पूरी तरह संयत बने रहे वे गाते गाते अपनी पुत्रवधू के पास जाकर उसे रोने के बदले क्या कहते हैं कि उसे उत्सव मनाने को कहते थे उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद की बात है उस समय उनमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था इसी प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें तो क्या भगत का व्यक्तित्व और उसका जो पहनावा था वो किस प्रकार का था उसे अपने शब्दों में लिखना है तो उत्तर देखते हैं भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था वे एक गोरे चिट्ठे और मझोले कद के व्यक्ति थे उनकी उम्र साठ वर्ष से ऊपर की थी उनके बाल पक गए थे उनका चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से जगमग करता रहता था वे बहुत कम कपड़े पहनते थे उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे यानी काली कंबल ओढ़ लेते थे उनके मस्तक पर रामा नंदी चंदन चमकता रहता था जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ोल माला बांधे रहते थे इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरज का कारण क्यों थी उत्तर है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी वे भगत जी की सरलता सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे भगत जी भूल भी किसी से कुछ नहीं लेते थे वे बिना पूछे किसी की चीज़ छूते भी नहीं थे यहाँ तक कि वे दूसरों के खेत में सोच भी नहीं करते थे और लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध देते लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते जब वे भोर काल में उठकर एकदम सवेरे सवेरे भोर भोर में उठकर दो मील दूर स्थित नदी में स्नान कराते थे वापस आते समय वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग हैरान रह जाते थे छठा प्रश्न है पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी है उत्तर है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं पहला कि बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे उनके गानों में सच्ची टेर होती थी उनका स्वर इतना मोहक ऊंचा और आरोही होता था कि उसे सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था और औरतें उस गाने को जब सुनती थीं तो उसे गुनगुनाने लगती थीं उनकी गीत सुनकर खेतों में काम करने वाले किसानों के जो हाथ पैर वे एक विशेष लय में चलने लगते थे उनके संगीत में जादुई प्रभाव था वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी सातवां प्रश्न है कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए बाल गोविंद भगत जो है प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे पाठ से वे प्रसंग निम्नलिखित हैं पहला कि जब बाल गोविंद भगत के एक लौते पुत्र की अकाल मृत्यु हुई तब वे विचलित न होकर उसके सब के पास बैठकर गीत गाते रहे उन्होंने पुत्रवधु को ना रोने का परामर्श दिया और उत्सव मनाने को कहा क्योंकि उनका कहना था कि उसके पति की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और यह तो आनंद की बात है उन्होंने सामाजिक मान्यताओं के विपरीत अपने बेटे की चिता को अग्नि अपनी पुत्रवधू से दिलवाई उन्होंने समाज की परवाह न करके पुत्रवधू की दूसरी शादी का आदेश दिया उनका हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाना धार्मिक आस्था के कारण ना होकर सन समागम और लोक दर्शन के लिए था आठवां प्रश्न है धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी उन माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए उत्तर है आषाढ़ का महीना है रिमझिम बारिश हो रही है कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं धान की रोपाई चल रही है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर बैठी हैं मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं औरतें उनके लिए खाना लेकर आई हैं और मेड़ पर बैठी हैं आसमान बादलों से घिरा है ठंडी पुरवाई चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है ऐसे मोहक माहौल ने बाल गोविंद भगत की स्वर लहरियाँ कानों को झंकृत कर देती हैं उनके कंठ का एक एक शब्द संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर ऊपर स्वर की ओर ले जाया प्रतीत होता है ये स्वर लहरियाँ इतना चमत्कृत कर देती हैं कि बच्चे झूम उड़ते हैं औरतों के होठ गुनगुनाने लगते हैं हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं सभी पर बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू छाया है अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई तो बाल गोविंद की कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई पहला कि बाल गोविंद जो है सिर पर कबीर पंथों की तरह कनपटी पहनते थे बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे वे कबीर के गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर लाद कर उसे चार कबीर पंथी मठ में ले जाते थे वहाँ कबीर दरबार में पहुँच कर भेंट हो जाता था उसे चढ़ा देते थे वहाँ पे और जो उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसे घर ले आते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे अगला प्रश्न है आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आघात श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे तो भगत की कबीर पर श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे कि भगत को कबीर का गृहस्थी साधो वाला रूप भाया होगा क्योंकि भगत भी इसी प्रकार के थे कबीर की विचारधारा भगत की विचारधारा के अनुरूप थी दोनों में काफ़ी समानता थी दोनों सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे भगत को कबीर के गीत पसंद थे अगला प्रश्न है गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है उत्तर है गांव का जीवन कृषि पर आधारित होता है और कृषि वर्षा पर आधारित है तो वर्षा का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास से होता है और आषाढ़ मास में जब जब आसमान में काले काले बादल घिराते हैं और रिमझिम फुहारें पड़ने लगती है तब गांव का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन उल्लास से भर जाता है लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है लोगों की आंखों में लहलहाती फसल के सपने तैरने लगते हैं गांव के सभी लोग सुनहरे भविष्य की कल्पना में डूब जाते हैं अगला प्रश्न है मोह और प्रेम में अंतर होता है भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे तो मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है क्योंकि मोह में अंधता होती है वह भला बुरा ना देख कर केवल स्वार्थ पर आधारित होता है जबकि प्रेम एक सात्विक भाव है इसमें निर्मलता एवं स्वार्थहीनता होती है भगत का पुत्र के प्रति प्रेम था पर मोह नहीं था यही कारण है कि उन्होंने पुत्र की मृत्यु को सहज रूप में लिया वे इसे पुत्र के आत्मा का परमात्मा से मिलन मानकर आनंद की बात बता रहे थे